आप सवाल ही नहीं समझ रहे हैं, आप पता नहीं नई कहानी सुना रहे हैं मुझे। धार्मिक भावना से मत, हाँ ठीक है नाजिम जी, नाजिम जी आपने लगातार कहा कि वो हास्यास्पद है, ये फतवा उर्दू में लिखा हुआ जो औरंगजेब ने लिखा था वो मेरे पास है, उर्दू तो मुझे आती नहीं, आप बेहतर समझते होंगे, पढ़ के दिखा दीजिए। अगर मैं इसका पढ़ता हूं तो पता क्या कहेंगे, तुगला के फरमान अभी से लागू कर दिया, मैं अगर इसे नहीं पढ़ूंगा। नहीं नहीं मैं कह रहा हूं आप ये फतवा पढ़िए ना, आप ये फतवा पढ़िए ना, कहेंगे कि देखिए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बातों को हाजी नाजिम भी सिद्ध कर रहा है। तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैं पढ़ देता, मुझे उर्दू नहीं आती। आपका जो काम आपका है वो आप ही पढ़ के सुनाए। तो मैं कह रहा हूँ उर्दू मुझे नहीं आती ना, उर्दू नहीं आती तो अगर मैं बताऊंगा तो फिर कहेंगे कि धर्म परिवर्तन वाली बात नहीं ना। नहीं नहीं ना सर, मेरे पास इंग्लिश में है, मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन है। नाजिम की बात पूरी सुन लीजिए ना, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप ये पढ़िए, मैं इंग्लिश वाली से मैच करूंगा ये सच है या ये सच है, आप पढ़िए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सुनिए सर आप इंग्लिश में पढ़िए, मैं उर्दू में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बन रहा है। ठीक है चलिए चलिए, मैं बता रहा हूँ ना, मैं इंग्लिश वाले का बता रहा हूँ ना आपको, इंग्लिश वाले में सीधा लिखा हुआ है 11 फरवरी 1670 में औरंगजेब का ये आदेश था कि मथुरा का मंदिर तोड़ा जाए, और मथुरा का मंदिर का नाम केशव राय है जिसको ध्वस्त किया जाए। अब आप इस फतवे में पढ़ दीजिए इसमें ये बातें हैं या नहीं है, आप पढ़ दीजिए, आप उर्दू तो आपको समझ में आती होगी ना, आप पढ़ दीजिए। आप इसका पेंट थोड़ा साफ निकाल के दें। अब उनका कहना है कि प्रिंट साफ निकाल के दे, ये पुराना प्रिंट है, अब इससे ज्यादा साफ मैं कहां चलाऊंगा। नहीं नहीं सुनिए, आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना, मेरे पास तो इंग्लिश वाला भी ऐसा ही है। मैंने आपके बात सारी समझ ली, मैंने देख लिया पहली नजर में, मैंने देख लिया कि जिस तरीके के प्रमाण आप दे रहे हैं, आप डिनाई कर देते ना, आप डिनाई कर देते ना, आप डिनाई कर देते, आप डिनाई कर देते कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहता रहूंगा आप कह देते कि ऐसा इसमें कुछ नहीं है।